लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना वायरस के कारण 21 दिन के लॉकडाउन के कारण इंदौर शहर में बाहर से आए पढ़ने वाले बच्चे वायरस से भयभीत हो रहे हैं। सभी बच्चे अपने घर जाने की परमिशन लेने कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। एडीएम बीबीएस तोमर ने बताया कि पहले कुछ लोगों को परमिशन दी गई थी, परंतु इसका वह गलत फायदा उठा लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले सीहोर में त्यौहार के समय लगभग 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिस चीज का डर रहता है कि भीड़ न करे, और ये लोग वही काम कर रहे हैं, इसलिए यह परमिशन फिलहाल बंद कर दी गई है। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो परमिशन के बारे में सोचेंगे। एडीएम बीबीएस तोमर ने बताया कि हमारी सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि कम से कम बाहर घूमें। फिलहाल केवल इमरजेंसी वालों को ही परमिशन के बारे में सोचा जाएगा। इस मामले में एडीएम तोमर का कहना है कि 24 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। किसी भी परिस्थिति में गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य किसी को परमिशन देने की अनुमति जिला प्रशासन के पास नहीं है। ऐसे विषयों पर कलेक्टर की विशेष अनुमति देने के लिए प्रमुख सचिव से विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद आज शाम तक गाइडलाइन तय हो जाएगी कि किस तरीके की परमिशन इस गंभीर मामले में दी जाए। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। ये यहाँ पर इंदौर में हॉस्टल्स में कुछ बच्चे रह रहे थे, कुछ इलाज के लिए लोग आए हुए थे, उस टाइप के लोग यहाँ से वापस भागने की तैयारी कर रहे हैं। परमिशनें भी पहले दी गई, परंतु उसका नाजायज उपयोग करते हुए कल परसों इन्होंने सीहोर में डोडी पे 300 आदमी इकट्ठा हो गए थे, तो जिस चीज़ का डर था वो हम ही फैलवाएंगे, इसलिए ये परमिशनें बंद की गई हैं। यदि कोई मोस्ट है, अर्जेंट होगा, किसी की डेथ है मदर फादर की या निकट रिलेशन में, तो ही अनुमति दी जाएगी। यदि आप बाहर जा कर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि सर हमारी बुआ जी का 8 दिन पहले इंतकाल हो गया था, अब हमको आज बैठने जाना, तो भैया 10 दिन बाद चले जाना। यही सबसे अपेक्षा है कि अभी कम से कम मूवमेंट करें और अत्यधिक इमरजेंसी वाले ही। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।